मॉर्निंग हो गई है और मैं मॉर्निंग के सारे काम हैं अपने फटाफट से अब कर लूँगी। मेरे हस्बैंड की ड्यूटी आ गई थी तो मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं और घर के डेली बस वही काम होते हैं, झाड़ू पोछा करना, नाश्ता बनाना, किचन साफ़ करना। मैं फटाफट से यहाँ पर बिस्तर विस्तर लगा दूँगी अच्छे से। तो मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ अपने लिए गर्म पानी, क्योंकि मेरे काम अभी बहुत है, मेरे काम करने तक गर्म पानी हो जाएगा तो मैं फटाफट से काम करने के बाद नहा भी लूँगी तो मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं फटाफट से पानी भी गर्म करने रख देती हूँ। तो फ्रेंड मेरी किचन की हालत देखिए, पूरा किचन है मेरा बिखरा हुआ है क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी ड्यूटी चले गए। सो फटाफट से उठी मैं सुबह, मैंने पहले झाड़ू पोछा सारे काम तो कर लिए थे लेकिन नाश्ता नहीं बनाया था, और जैसे ही नाश्ता बनाने के मैं आलू के पराठे बना रही थी तो मैंने आलू जैसे उबालने रखे सो हमारा सिलेंडर है वो ख़त्म हो गया था। ये देखिए तो खाली सिलेंडर यहाँ पर रखा है, और आज संडे तो इस वजह से हमें ना सिलेंडर आज मिला भी नहीं, तो नीचे जो मकान मालिक लोग हैं दीदी लोग ने हमें सिलेंडर अपना सिलेंडर दिया, और ये वाला कल भरवा के हम इन्हें तो वो हम दीदी लोग को दे देंगे। किचन की हालत है बिल्कुल बेकार हो रही है। मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है, यहाँ पर को देखिए मैंने चम्मच यहाँ पर इसलिए फैला रखी क्योंकि मैंने चम्मच रखने वाला भी ये बहुत गंदा हो गया था तो मैंने इसे भी धो रखा है, इसलिए मैंने चम्मच को भी ऐसे ही धो के ऐसे यहाँ पर रख दी, जल्दी सूख जाएंगी। सो फ्रेंड बाहर देखिए कितनी अच्छी खासी धूप लगी पड़ी है, और मैं यहाँ पर कूड़ा डालने जा रही हूँ कूड़े की बाल्टी में, और कूड़े की बाल्टी ना मैं अंदर रूम पे रखती हूँ क्योंकि ना यहाँ बंदर बहुत आते हैं फ्रेंड, और एक बार तो ना बंदर ने पूरी बाल्टी ले गया था वो, और उसने नीचे गिरा दी थी, बता नीचे दीदी लोग के यहाँ गिरा दी थी, फिर मुझे लेके आनी पड़ी, तो इसलिए अब मैं हमेशा बाल्टी कमरे के अंदर ही रख। सो यहाँ पर मेरा पानी भी हो चुका है बिल्कुल गर्म, अब मैं फटाफट से है नहा लेती हूँ। एक्सेप्ट मैं नहीं बोला, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो मेरे घर के सारे काम हैं बिल्कुल हो चुके हैं, और मेरा नहाना धोना भी सब हो गया है, और मैंने बाहर कपड़े भी सुखा दिए, कपड़े ज़्यादा थे नहीं आज। सो फ्रेंड यहाँ पर ना मेरा कान का खुल गया था तो मैं अपना कान का है यहाँ पर पहन लूँगी, पता नहीं क्यों ये बार बार ना खुलता रहता है। सो फ्रेंड अब सर्दी है जा चुकी है और गर्मी अब स्टार्ट हो गई है, जो सर्दियों के सारे कपड़े थे हम मुझे सब निकाल के अच्छे से रख देने होंगे, तो यहाँ पर मेरी हस्बैंड की जैकेटें हैं सो मैं सब निकाल के अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि बाहर टंगे रहेंगी पहनना अब है नहीं क्योंकि इतनी गर्मी अब होने लग गई है। सुबह शाम का हल्का फल्का ठंडा है पर इतना भी ठंडा नहीं है कि जो हमें जैकेटें पहननी पड़ेंगी, तो इसलिए मैं सारी जैकेटें रख दूँगी, और जैकेटें खाली टंगी टंगी ना फ्रेंड धूल धक्कड़ से थोड़ी बहुत गंदी हो ही जाती है, इसीलिए अब इनको ज़रूरत अब इनकी है नहीं, तो मैं फटाफट से इनको तय करके इनको मैं अच्छे से रख दूँगी। मेरे हस्बैंड तो वैसे भी गाड़ी चलाते हैं तो इंजन में वैसे भी इतना गर्म होता है तो उनको तो ज़रूरत वैसी भी है नहीं।
सो फ्रेंड मेरे पास जितनी भी जैकेटें हैं सब मैं इस पे रख दूँगी कि ना काफ़ी बड़ा है और इससे कहते क्या है, इसका नाम क्या है मुझे मालूम नहीं है, मैं अपने हस्बैंड से पूछ के आप लोग को बता दूँगी। और मैंने इसमें से पहले से भी एक छोटा कंबल और जैकेटें पहले से ही मैंने रखी है। ये इतना अच्छा है ना फ्रेंड, मतलब इसमें इतने सारे कपड़े आराम से आ सकते हैं ना, इसलिए। और जैकेटें हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 5-6 जैकेटें तो मेरे हस्बैंड की है और 2 जैकेटें मेरी भी है, तो सारी की सारे सब चीज़ें इसमें आराम से आ जाएगी। और ये जाएगा कंबल में, सब इसी में रख दूँगी। जैकेटें थी मैंने सब अभी इसमें रख दिए हैं, बिल्कुल आ गए। अभी मैं चाहूँ ना इसमें और भी सामान रख सकती कि बहुत ज़्यादा जगह है इसमें, तो मैंने अभी इसको सिर्फ बाकी रखी इसी की है। सो मैंने इसमें रख दिया जितने मुझे रखने थे, बाद में मुझे और भी रखने होंगे तो मैं और भी रख लूँगी। सो फ्रेंड थोड़ी बहुत बनियाने और है मेरे हस्बैंड की, तो मैं इनको ना इन बैग में ही रख दूँगी। बैगों में थोड़ी बहुत जगह है, काफ़ी बची है इनमें, तो मैंने सोचा कि जितने थोड़े बहुत कपड़े हैं मैं इन्हीं में रख देती हूँ। सो फ्रेंड मेरी जितनी भी जैकेटें थी, जितने भी कपड़े थे गर्म, मैंने रख दिए सब इसमें। दोनों बैग बिल्कुल भर चुके हैं ये, और यहाँ पर को देखिए थोड़ी जगह ना ऐसी खाली खाली सी लगी। जैकेट हमेशा यहाँ पर टंगी रहती थी ना, तो जगह इतनी खाली खाली लगी, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। सो मेरे काम फिलहाल अभी हो गए हैं। सुबह मैंने आलू के पराठे खाए थे अपने हस्बैंड के साथ, तो आलू के पराठे खाना थोड़े हैवी हो जाते हैं, तो ज़्यादा भूख तो मुझे है नहीं, इसलिए फटाफट से मैगी बनाती हूँ। मैगी बना मेरे हस्बैंड इतनी अच्छी बना। मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, और मैं फटाफट से यहाँ वेजीज यहाँ पर कट करती हूँ। तो मैं टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च डाल दूँ। सो यहाँ पर मेरी सारी वेजीज से कट हो गई है, मैं फटाफट से डाल दूँगी। सो फ्रेंड यहाँ पर मेरी मैगी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और बनाते बनाते ना मुझे भूख भी लग गई, तो फटाफट से मैं अपनी मैगी अब इंजॉय करती हूँ। तो फ्रेंड मैं यहीं पर बाहर बैठी हूँ, मैंने यहाँ बिस्तर लगा दिया और अच्छा आ रहा है। मैंने मैगी अपनी खा ली है, और खाना खाने के बाद ना मीठा जरूर खाते हैं, तो उसके देखो टॉफी होगी और चॉकलेट खूब रखे रहते हैं, ख़त्म भी होगी थोड़ी सी बची है। मेरे हस्बैंड और मैं खाना खा के मीठा ज़रूर खाते हैं। मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं अब बनाने वाली हूँ मटरी। मटरी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अच्छी लगती है चाय के साथ खाने में। सो मैं कब से सोची थी बनाऊंगी बनाऊंगी करके, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। सो आज मुझे बिल्कुल टाइम मिल गया है, तो मैं मटरी बनाऊंगी। मैं मटरी कैसे बनाती हूँ पूरी रेसिपी आप लोगों के संग शेयर करूँगी।
बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए मुझे मैदा, तो मैं यहाँ पर 2 कटोरी मैदा ले लूँगी और उसको अच्छे से छान लूँगी। मैदा साफ़ है फिर भी थोड़ा बहुत छान लेंगे तो सही है। तो 2 कटोरी मैंने मैदा डाल दिया है इस पर, अब इसे हम अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए अच्छे से मैंने छान लिया है और हम इसमें लेंगे 1/2 कटोरी जितना सूजी। सूजी को ज़्यादा नहीं लेनी है आपको, थोड़ी अपने हिसाब से लेना, जितने हिसाब से आपका मैदा है आप उसने हिसाब से ले सकते, लेकिन मैंने सूजी कम ही डाल दी हूँ मैं, उसमें थोड़ा सा और डाल दूँगी। अब सूजी को भी है अच्छे से छान लेंगे हम। तो मैंने यहाँ पर को भी है सूजी भी डाल ली है, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो अब हमें चाहिए थोड़ा सा घी, तो मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है। अब मैं इसको अच्छे से पहले थोड़ा गर्म कर लूँगी। सो हमने घी गरम कर लिया है और घी को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब तक घी ठंडा होता है तब तक मुझे इसमें डालना है थोड़ा सा नमक। और मैं डालूंगी थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन को मैं दोनों हाथ में थोड़ा सा क्रश करके फिर थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि अजवाइन से ना थोड़ा अच्छी स्मेल भी अच्छी आती है और खाने भी स्वाद लगता है। सो मैंने इसमें अजवाइन भी डाल दी अच्छे से और मैंने थोड़ा चिली फ्लेक्स भी डाल दिया इस पर, क्योंकि उससे ना अच्छा टेस्ट आता है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो अब आ रही है इसमें घी डालने की। अब मैं थोड़ा थोड़ा और घी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसे हमें अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर देना है। सो यहाँ पर मैंने घी डाल के बिल्कुल अच्छे से आटे को मसल लिया है। अब बारी है इसमें रिफाइंड तेल डालने की। रिफाइंड तेल भी डालो ना फ्रेंड, थोड़ा सॉफ्ट बनते हैं, नरम बनते हैं और अच्छे भी लगते हैं। इसलिए मैं 3 चम्मच स्पून जितना ऑयल अपने हिसाब से ले लिया है मैंने। अब इसको मैं दोनों हाथों से अच्छे से मसल लूँगी, जो कि आटे में बिल्कुल ऑयल अच्छे से लग जाए। हम इसे अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स कर लेंगे। के इसको आराम से गूंथते रहेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे हम आटे का डो लगाते हैं और हमने सेम वैसे ही लगाना है। यहाँ पर मैंने अच्छे से डो लगा लिया है इस पर, और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा के और इसको ढक के रख देंगे, तो ना थोड़ी देर आटा फूल जाएगा। सूजी डाली है इसमें हमने, तो यार फूल के देखते हैं आटा कैसा हो गया है। थोड़ा बहुत देखिए आटा बिल्कुल फूल चुका है। अब इसको उसमें अच्छे से थोड़ा सा और गूंथ दूंगी पहले अच्छे से। फ्रेंड हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है, मैंने दोबारा भी अच्छे से गूंथ लिया है। सो फटाफट से इसकी बनाते हैं मटरी। सो मैं ना थोड़ी अलग अलग तरह की मटरी बनाने वाली हूँ, एक ही सेम में मैं बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, मैं थोड़ा अलग अलग बनाऊँगी। पहले मैं गोल गोल करके रोटी की तरह बेलूँगी पहले मैं इन सबको, क्योंकि मुझे एक ही सेम में नहीं बनाना है। सो यहाँ पर मैंने अच्छे से बेल लिया है, तो मैंने यहाँ पर 3 बेल रखे हैं देखिए। तो मैंने पहले एक रख दिया है और सेम मैं इसके ऊपर से दूसरा भी रख दूँगी, और उसके बाद मैं तीसरा भी इसके ऊपर रख दूँगी। ये देखिए अब मुझे इनको धीरे धीरे करके फोल्ड करना है। सो मुझे अब तीनों को अच्छे से फोल्ड करना है। मैं यहाँ पर गोल गोल करके अच्छे से तीनों को बिल्कुल अपने हाथों के उसे हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल ही फोल्ड करना है हमें, और ये फोल्ड हो जाएंगे तो हल्का सा हमें प्रेस करना है, क्योंकि ये खुले ना करके, इसलिए मैं हल्के हल्के धीरे धीरे हाथ से इनको हल्का सा रोल कर जैसा कर ले रही हूँ। और अच्छे से फोल्ड होने के बाद अब मैं इनमें चाकू से छोटे छोटे पीस जैसे काट लूँगी। ये देखिए आप लोग अपने हिसाब से छोटे पतले कम कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से काटे हैं बिल्कुल ही।
अच्छे से बेल लिया है, तो बेलने के बाद ना मैं इसमें से कट लगा दूँगी चाकू से। जब तुम ये बना लूँगी तो मेरे ये बनने था कि मैंने यहाँ पर ऑयल भी रख दिया है गर्म होने को, मैं फटाफट बना के फटाफट यहाँ पर तलते भी रहूँगी। सो अब मैं दूसरे तरीके की मटरी बनाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर रोटी जितना बिल्कुल बेल लिया है पतला पतला सा, आप अपने हिसाब से मोटा पतला भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर को इसको चाकू से बिल्कुल कट लगाऊंगी अच्छे से, पूरा सीधे सीधे लंबे लंबे कट करने हैं मुझे। उसके बाद मैं इनको टेढ़ा टेढ़ा भी काटने वाली हूँ। आटा थोड़ा खिंच जाता है ना, इसलिए मैं इसको हाथ दोनों हाथों से अच्छे से कर रही हूँ। सीधा सीधा कट करने के बाद इनको हमें थोड़ा टेढ़े में भी कट कर लेना है। आप अपने हिसाब से पीस छोटे बड़े बिल्कुल रख सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से थोड़े बड़े बड़े ही रखे, उतने छोटी भी नहीं रखे हैं मैंने। मैंने ऑयल भी रख दिया था गर्म होने को, मेरा ऑयल है बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब मैं इसी मटरी को इसमें डालते रहूँगी। सो फ्रेंड यहाँ पर देखिए मेरे कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। मैंने आधे से ज़्यादा तो मैंने फ्राई कर ही लिए। ये देखिए ये कितना अच्छा, कितना हल्का हल्का ब्राउन कलर आ रखा है, बिल्कुल अच्छा सा। हमें इसी तरीके के सारे मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। सो यहाँ पर मेरी मटरी देखो फ्रेंड बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। कितनी प्यारी लग रही, कितना अच्छा कलर आ रखा है। और मैंने ना ये पहली बार है जो मैंने सूजी डाल के बना रखी है, वरना मैं सिंपल सी मैदे में ही बनाती हूँ। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, अलग तरीके से कोई ट्राई करनी चाहिए। और मैंने टेस्ट करके भी देखी, बहुत ज़्यादा यमी हो रही है। आप लोग बिल्कुल बनाना, बहुत ही अच्छा, नमक भी बिल्कुल अच्छा ठीक पड़ा है बिल्कुल। इसमें थोड़ा अलग अलग चीज़ें भी ना फ्रेंड तरीके नए नए तरीके से हमें बना के खानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम एक जैसी चीज़ें ही हम हर बार खाएं, कुछ नए तरीके के हम बना के भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। सो फ्रेंड मेरी मटरी भी बन गई है, मेरी चाय भी बन गई है। तो मैं अपनी मटरी और चाय यहाँ पर इंजॉय करती हूँ। सो आज को लगभग यहीं पर एंड कर दूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना।